उत्तराखंड के टनकपुर कोतवाली पुलिस कार्यालय के ठीक सामने खड़े एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल छा गया। लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया और देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फायर विभाग को दी। सूचना पर फायर ब्रिगेड का वाहन मौके पर तत्काल पहुंच गया। तब जाकर बड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया गया। बता दें कि सोमवार की रात्रि 10 बजे कोतवाली पुलिस ऑफिस के ठीक सामने ट्रक संख्या UK5CA 1052 खड़ा था, जिसमें अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उस पर काबू पाना काफी मुश्किल था। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड का वाहन आया, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। इतने में ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से जलकर राख हो गया। वाहन चालक हरीश मेहता ने बताया कि वाहन सड़क किनारे खड़ा करने के बाद वह खाना खाने कमरे में पहुंचा था। जब वापस आया तो ट्रक में आग लगी देखी। इस दौरान घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर कोतवाली पुलिस के अधिकारियों ने ट्रक का मुआयना किया। हालांकि इस संदर्भ में कोई भी तहरीर पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है। कल 10:22 पर हम पर एक थाने के सामने एक कैंटर में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें हमारे फायर सर्विस यूनिट तुरंत घटनास्थल के लिए प्रस्थान हुई और वहां पर जाकर देखा तो एक कैंटर जल रहा था, जो कि विद्युत लाइन के नीचे खड़ा था और विद्युत लाइन और कैंटर के बीच आधे से 1 मीटर की ही दूरी थी। संभवतः इलेक्ट्रिक शॉर्ट से भी आग लग सकती है, अन्यथा किसी के द्वारा आतिशबाजी छोड़े जाने पर आतिशबाजी से भी लग सकती है। अभी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ और हमारी यूनिट आग बुझाकर पूर्ण रूप से आग बुझाकर वापस आई। मेरा नाम अमर सिंह अधिकारी, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी टनकपुर। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।